तो आज इंडियन बाइक्स ड्राइविंग थ्रीडी के शहर में फ्रैंकलिंग और इस शहर के सभी लोग मिलकर मनाने वाले हैं प्रदर्शनी। दशहरे का वक्त आ चुका था और फ्रैंकलिंग सोच रहा था कि उसे अपने शहर में कुछ स्पेशल करना है, इसीलिए उसने अपने घर के अंदर ही बना डाली एक बढ़िया सी प्रदर्शनी। और आज रात को इसे देखने के लिए इस शहर के सभी लोग आने वाले हैं, इसीलिए मैंने अपने घर के बाहर साइड में कई सारे झूले लगा दिए हैं, लेकिन अंदर की तरफ कोई भी डेकोरेशन नहीं किया। अब देखते हैं कि आज शाम को फ्रैंकलिंग की प्रदर्शनी देखने कितने लोग आते हैं। चलो यार, फाइनली मैं दूसरे शहर के प्रोजेक्ट को कंप्लीट करके अपने शहर वापस आ चुका हूँ। और यार, अपने शहर के अंदर आने के बाद ना वाइब भी अलग आती है, क्योंकि यार मुझे ना इंडियन बाइक्स ड्राइविंग का ये शहर बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। और वैसे भी मैं तो यहीं के रहने वाला हूँ, मैं तो दूसरे शहर गया था ताकि मैं अपना प्रोजेक्ट कम्प्लीट कर पाऊँ। और चलो, इसी के साथ फाइनली हमारा प्रोजेक्ट कम्प्लीट हो चुका है, तो इसीलिए मैं दोबारा से अपने शहर वापस आ चुका हूँ। और जैसा कि मुझे लग ही रहा था कि मैं जैसे ही यहाँ पे आऊंगा तो पुलिस की गाड़ी मेरा इंतजार करेगी। और ये देखो, हमारी ट्रेन के जस्ट बगल में मेरी पुलिस वाली गाड़ी पार्क की गई है। जिन लोगों को नहीं पता उन्हें मैं बता दूं कि फ्रैंकलिंग अपने शहर में एक पुलिस वाला बन चुका है। और इसी काम के सिलसिले की वजह से मैं गया था इंडियन ऑटो थेफ्ट सिमुलेटर के अंदर, बट मैंने वहां के सभी क्रिमिनल्स को पकड़ लिया है, इसीलिए फिलहाल मैं अपने शहर में वापस आ चुका हूं। चलो फिर जल्दी चलते हैं पुलिस स्टेशन पे, बिकॉज पुलिस वाले मेरा इंतजार भी कर रहे होंगे, क्योंकि उन सभी लोगों को पता है कि आज फ्रैंकलिंग इंडियन थेफ्ट ऑटो सिमुलेटर के सभी क्रिमिनल्स को मार के अपने शहर वापस आ रहा है। और फाइनली मैं वापस आ चुका हूं, इसलिए सबसे पहले मैं जाने वाला हूं पुलिस स्टेशन के अंदर। ओके, चलो यार, बातों ही बातों में मैं कब पुलिस स्टेशन पहुंच गया मुझे पता ही नहीं चला। चलो जल्दी इस पुलिस स्टेशन के अंदर चलते हैं और चल के कांस्टेबल से और पुलिस वालों से बात करते हैं। पर उससे पहले इस वाली कार को अच्छे तरीके से पार्क कर देते हैं। चलो एक काम करता हूं, यहां लेफ्ट साइड में पार्क कर देता हूं। ऑलराइट, ब्रेक लग, अरे यार ब्रेक लगा ही नहीं और ये वाली कार ठुक गई। भाई साहब, ये पुलिस वाले छोड़ेंगे नहीं मुझे, ये मेरी प्रॉपर्टी नहीं है, ये गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी है। बट कोई ना, आई थिंक थोड़ा बहुत डेंट तो आया ही होगा, लेकिन यार यहां पे तो कुछ भी नहीं है। चलो अच्छा ही है भाई, मेरा फायदा है, यहां पे कुछ भी नहीं हुआ। अभी कार को छोड़ो, फिलहाल चलते हैं ऑफिसर से बात करने के लिए। लेकिन एक सेकंड यार, यहां पे तो कितने सारे सीनियर ऑफिसर्स भी बैठे हुए हैं, आज जूनियर कहाँ गए सब। कोई ना, चलो फिलहाल इन्हीं से चल के बात कर लेते हैं। जैन सर। अरे फ्रैंकलिंग, आओ आओ, तुम्हारे बारे में काफी सुन रहे हैं, तुम गए थे इंडियन ऑटो थेफ्ट सिमुलेटर के अंदर क्रिमिनल्स को मारने के लिए ना। अरे हाँ सर, आपने बिल्कुल सही सुना, मैं उसी शहर के अंदर गया हुआ था और मैंने वहाँ के सभी क्रिमिनल्स को अच्छे से मजा चखा दिया। अरे वाह, शाबाश फ्रैंकलिंग। वैसे ना, हमें तुमसे एक बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट बात करनी थी, इसीलिए आज हम सभी सीनियर्स यहाँ पे आए हैं। यहाँ पे आज तुम्हें कोई भी जूनियर नहीं दिखाई दे रहा। सर बताइए, क्या काम है, ऐसा क्या हो गया कि आप लोगों को इस शहर आना पड़ा। अरे फ्रैंकलिंग, मैं देख रहा हूँ कि इस शहर के अंदर त्योहार की किसी को एक्साइटमेंट है ही नहीं। क्यों सर, आपको ऐसा क्यों लग रहा है। अरे फ्रैंकलिंग, कल दशहरा है लेकिन इस शहर में कोई सजावट ही नहीं, इसीलिए हम चाहते हैं कि तुम कुछ ऐसा करो जिससे लगे कि हाँ, हमारे शहर के अंदर प्रदर्शनी या फिर दशहरा मनाया जा रहा है। सर अब देखो, मैं क्या करता हूँ, कल रात को सभी लोग मेरे घर पे आ जाना। राइट, चलो यार, फाइनली मैंने अभी इन सभी के सभी सीनियर ऑफिसर से बात कर लिया है। और मैंने इनसे बात करी तो भाई ये कह रहे हैं कि इस शहर में दशहरा या फिर प्रदर्शनी की कोई एक्साइटमेंट ही नहीं है। दरअसल बात यह है कि हमारे इंडियन बाइक्स ड्राइविंग थ्रीडी के अंदर कोई भी त्योहार मनाता ही नहीं, तो इसीलिए सीनियर्स चाहते हैं कि फ्रैंकलिंग कुछ ऐसा करे जिससे इस शहर के सभी लोग दशहरे को सेलिब्रेट करें। अब देखो, मैंने सीनियर्स को हाँ तो कह दिया है, बट अभी मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा कि मैं ऐसा क्या करूं जिससे इस शहर के सभी लोग दशहरा सेलिब्रेट करें। अब देखो, मुझे यहाँ पे कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा ताकि इस शहर के सभी लोग दशहरा मनाएं, बट मैं क्या करूं ऐसा स्पेशल, तो कुछ करना पड़ेगा। अब देखो, दशहरे में मैं अकेले तो भाई उतनी डेकोरेशन नहीं कर सकता, बट हाँ मैं प्रदर्शनी मना सकता हूँ। हाँ यार, ये बहुत ही अच्छा आइडिया है, अगर मैं प्रदर्शनी मनाऊंगा तो भाई वहां पे मैं कुछ झूले लगा दूंगा ताकि लोग उसको झूलने के लिए यहाँ पे आएंगे तो एटलीस्ट, और तभी शहर के लोगों को मजा भी आएगा, क्योंकि वैसे भी भाई वैसी कोई भी चीज शहर के अंदर अवेलेबल तो नहीं। इसीलिए मैं सोच रहा हूँ कि भाई अपने शहर के अंदर एक बढ़िया सी प्रदर्शनी बनाते हैं, और इस शहर के लोगों के लिए वो चीज बहुत ही ज्यादा यूनिक भी हो जाएगी। चलो फिर सबसे पहले मैं आरजे स्टूल के अंदर सर्च करता हूँ प्रदर्शनी, और देखता हूँ कि इसके लिए हमें क्या क्या करना पड़ेगा। ऑलराइट, चलो मैंने यहाँ पे प्रदर्शनी टाइप तो कर दी है, और प्रदर्शनी टाइप करते ही यहाँ पे एक वीडियो प्ले हो चुका है। और इसके लिए सबसे पहले हमें फाइंड करना है ये बड़े वाले झूले। हाँ यार, ये सबसे मेन होता है प्रदर्शनी के अंदर, और इसीलिए मैं जा रहा हूँ सबसे पहले इस बड़े वाले झूले को लेने के लिए। और फिलहाल ये बड़ा वाला झूला हमें मिलने वाला है जुरासिक पार्क के अंदर। पहले मैं सोच रहा था कि भाई अपनी पुलिस वाली कार लेके चलता हूँ, लेकिन यार पुलिस कार को लेके जाके क्या ही करूंगा यार, फिलहाल मैं अपने ZS9 को लेके चलता हूँ। भाई इतनी महंगी सुपर बाइक रखी है मैंने, और वैसे भी भाई वो गवर्नमेंट की कार है, तो मैं अपने पर्सनल यूज के लिए भी उसे यूज तो कर सकता हूँ, बट बार बार यूज करने की जरूरत है नहीं, क्योंकि मेरे पास तो भाई ZS9 और कितनी सारी महंगी महंगी गाड़ियां हैं। और वैसे भी अभी तो मैं ड्यूटी पे भी नहीं हूँ, इसीलिए मैंने अपनी ZS9 वाली बाइक को उठा लिया है। अभी फिलहाल हमें बस जाना है जुरासिक पार्क के, और जुरासिक पार्क के अंदर जाते ही हमें मिलने वाला है वो बड़ा वाला झूला। अब देखो, आप में से जो भी लोग प्रदर्शनी घूमने जाते होंगे तो भाई इस वाले झूलों को देख के दूर से पता चल जाता है कि भाई हाँ, यहाँ पे प्रदर्शनी चल रही है, क्योंकि यार हमारे शहर के प्रदर्शनी की शान होती है ये बड़े वाले झूले। इसीलिए सबसे पहले तो भाई मैं इस बड़े वाले झूले को लगाने वाला हूँ, और सिर्फ ये सर्कल वाला झूला ही नहीं लगाएंगे, इसके अलावा और भी बहुत सारे मस्त मस्त झूले लगाने वाले हैं। और उसके बाद ये देखना बाकी रहेगा कि जब मैं इन सभी झूलों को लगाता हूँ तो इस शहर के जो बच्चे हैं वो उसे झूलने के लिए आते हैं या फिर नहीं। मेरे ख्याल से सभी के सभी बच्चे आएंगे प्रदर्शनी घूमने के लिए, क्योंकि भाई मैं इसकी फीस बिल्कुल फ्री रखूंगा, मैं 1 रुपया नहीं लूंगा।
झूला झूलने का। मैं इस शहर के सभी लोगों को फ्री में झूले झुलाऊंगा। वेल वो छोड़ो, फिलहाल फाइनली मैं पहुंच चुका हूँ जुरैसिक पार्क के अंदर। चलो अभी फिलहाल जुरैसिक पार्क के अंदर चलते हैं। और यार यहाँ तक आने में कितना कम टाइम लगा भाई, क्या ही कमाल की बाइक है, क्या मस्त स्पीड है इसकी। चलो फिलहाल मैं जुरैसिक पार्क के अंदर तो आ चुका हूँ और यहाँ पे आते ही ये देखो भाई हमें वो बड़े वाले झूले मिल चुके हैं। एंड भाई लिटरली में ये वाले झूले कितने ज्यादा बड़े हैं यार। यार जुरैसिक पार्क के इतने बड़े बड़े पेड़ इस झूले के सामने कितने ज्यादा छोटे लग रहे हैं, यानी कि भाई ये वाला झूला वाकई में बहुत ज्यादा बड़ा है। अब देखना ये है कि भाई ये झूला मेरे घर के अंदर फिट आता भी है या फिर नहीं। चलो जल्दी से इसे कलेक्ट कर लेते हैं। चलो यार अभी मैंने अपनी प्रदर्शनी के लिए पहला वाला झूला तो ले लिया है, लेकिन यार सिर्फ और सिर्फ एक झूले से उतना मजा नहीं आने वाला है, क्योंकि यार मैं सोच रहा हूँ कि मैं अपने शहर के अंदर कोई ऐसी प्रदर्शनी बनाऊं जिसे देख के भाई सबको मजा आ जाए। इसीलिए मैं सोचता हूँ कि मैं कुछ यूनिक करूं। तो इसीलिए यार अगर सिर्फ एक झूला लगाऊंगा तो लोग उस वाले झूले को झूलते झूलते काफी बोर हो जाएंगे। इसीलिए मैं सोच रहा हूँ कि भाई मैं कुछ अलग टाइप के झूले और लगाने वाला हूँ। तो इसीलिए अभी मैं जा रहा हूँ सेकंड वाले झूले को लेने के लिए, और फिलहाल उसकी लोकेशन जो है वो काफी ज्यादा अजीब जगह पे है। दरअसल बात ये है कि पहले हमारे शहर के अंदर सर्कस मनाया जाता था, और जो लोग सर्कस मनाते थे ना उन लोगों के पास सारे के सारे झूले हुए करते थे। और जब वो सभी लोग इस शहर को छोड़ के अपने शहर वापस जा रहे थे तो उस टाइम पे उन लोगों ने इन सभी झूलों को अलग अलग जगह पे छुपा दिया था। लेकिन जो फोन मेरे पास है इसके अंदर है आरजेस टूल, और आरजेस टूल को इन सभी लोकेशंस के बारे में अच्छे से पता है, और इसीलिए मैं इस आरजेस टूल का अच्छे से फायदा उठा रहा हूँ। वेल वो छोड़ो भाई, बात करते करते हम कब अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच गए पता भी नहीं चला, पर हाँ अभी हम बिल्कुल एंड में नहीं पहुंचे हैं। अभी फिलहाल हमें इस वाले ट्रैक के थ्रू इसके टॉप पे जाना है, बिकॉज इसके टॉप पे ही मिलने वाला है हमें वो एक और यूनिक टाइप का झूला। चलो यार अभी मैंने यहाँ पे काफी परफेक्ट जंप तो नहीं की है, मेरी बाइक यहाँ पे आई थिंक फंस गई है क्या। अरे यार निकल यार, ऐसे मत कर भाई। अरे यार इस बाइक को निकालना पड़ेगा, अगर यहाँ पे फंस गए ना तो काफी प्रॉब्लम हो जाएगी। ऊपर से भाई नीचे की तरफ देख रहे हो खाई टाइप का है, और ऊपर मैं बीच में फंस गया। और ये देखो भाई अभी को जब ये बाइक फंसी है तब जाके ये हेलमेट लगा रहा है। वेल चलो इसे निकालने का ट्राई करते हैं। एक काम करता हूँ उतर जाता हूँ उसके बाद निकालूंगा। लेकिन एक सेकंड भाई ये क्या हो गया मेरे साथ। यार मैं जैसे अपनी बाइक से नीचे उतरा भाई साहब उस बाइक ने तो मुझे उठा के कितना दूर फेंक दिया। और ये क्या भाई, फ्रैंकलिन रुकने का तो नाम ही नहीं ले रहा भाई, भागे जा रहा है। और फिलहाल ये आ चुके कंस्ट्रक्शन एरिया के अंदर। यार पक्का इसे बहुत ज्यादा चोट लगी होगी यार, कितना खून निकल रहा है यहाँ पे। यार ये अचानक से पता नहीं क्या हो गया, मतलब मैं अपनी बाइक के अंदर बैठा था और अचानक से मैं अपनी बाइक से एग्जिट किया हूँ तो भाई उस बाइक ने मुझे इतना दूर फेंक दिया। यार ऐसा क्या था उसके अंदर। अभी फिलहाल यहाँ से निकल के वापस उस जगह पे जाना पड़ेगा। ऑलराइट, तो फिलहाल मैं वापस से उस जगह पे आ चुका हूँ अपनी बाइक को लेके, और मैंने अपनी बाइक को वहां से निकाल भी लिया है। यार अभी मुझे इस वाली बाइक को बहुत ही ज्यादा ध्यान से चलाना पड़ेगा, बिकॉज कहीं कोई ऐसी नौबत ना आ जाए कि भाई मुझे इस वाली बाइक से उतरना पड़े, और जैसे मैं उतरूंगा तो भाई फिर से कहीं वही वाला कांड ना हो जाए। इसीलिए भाई मैं पूरा ट्राई कर रहा हूँ कि अभी मैं इसे आराम आराम से बहुत ही अच्छे तरीके से लेके जाऊं और मैं कहीं गिरूं ना। और भाई कहीं ये फिर से तो नहीं फंस गई। यार लगता है ये फिर फंस गई। यार मैं क्या करूं अब। यार शट, ये क्या हो रहा है मेरे साथ, बार बार मेरी बाइक कैसे फंस जा रही है। चलो यार निकल तो गई। ओके पीछे चलते हैं और आगे निकलने का ट्राई करते हैं। ऑलराइट चलो पीछे आ चुका हूँ, थोड़ा और पीछे चलता हूँ। ओके पहले बढ़िया से स्पेस लेते हैं, उसके बाद आगे निकलने का ट्राई करेंगे, नहीं तो भाई फिर से हमारे साथ कांड हो जाएगा। चलो भाई आराम से चलते हैं। ओके चलो फाइनली मैं वहाँ से निकल चुका हूँ। भाई मैं जैसे ही वहाँ पे अटका ना मुझे बहुत ज़्यादा अजीब लगने लगा, मुझे लगा कि भाई फिर से वही कांड ना हो जाए। लेकिन चलो कोई ना, मैं वहाँ से निकल चुका हूँ और फिलहाल वहाँ से आगे आ चुका हूँ। चलो यार अभी आपको सामने वो जो ब्लू और रेड कलर का कंटेनर दिखाई दे रहा है ना, हमें उसी वाली बिल्डिंग के टॉप पे जाना है, क्योंकि हमें वहीं पे मिलने वाला है वो अलग टाइप का यूनिक टाइप का झूला। चलो बस आराम से भाई, बस थोड़ा सा रह गया उसके बाद मैं पहुंच जाऊंगा उसके ऊपर। ऑलराइट यार वहां का रास्ता थोड़ा ज़्यादा खराब है भाई, इस बिल्डिंग के यहाँ बगल में जो रास्ता बना हुआ है ना देखो, ये वाले रास्ते थोड़े ज़्यादा अजीब टाइप के हैं, तो इसीलिए मुझे यहाँ पे और भी ज्यादा ध्यान से आगे बढ़ना पड़ेगा। ओके चलो आराम से ऊपर चलते हैं। ऑलराइट गाइस, तो फाइनली मैं पहुंच चुका हूं इस वाली बिल्डिंग के टॉप पे, और ये देखो भाई मैं इसी वाले झूले की बात कर रहा था। हाँ मुझे पता है कि ये बच्चों वाला झूला है, बट हाँ ये मैं अपने शहर के बच्चों के लिए ही ले रहा हूं। चलो फिर जल्दी से इस वाले झूले को भी कलेक्ट कर लेते हैं, और तुम्हें ये वाला झूला कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताना। वैसे अभी मैं एक और झूले को फाइंड करने वाला हूं, तो भाई जब तुम इन तीनों को देख लेना उसके बाद बताना कि तुम्हें इन तीनों में से कौन सा बेस्ट लगा। बाय द वे ये वाला झूला बहुत ज्यादा बड़ा है, बिकॉज इसने हमारी इस बड़ी वाली बिल्डिंग को आराम से कवर कर लिया है। वेल अभी चलो अभी यहां से आगे निकलते, और फिलहाल मैं आपको बता रहा था कि मैं एक और लास्ट वाला झूला लेने वाला हूं भाई। एक और लास्ट झूला आपको दिखाता हूं कि भाई वो वाला कैसा है, क्योंकि सिर्फ दो झूलों से काम नहीं चलेगा, हमें कम से कम तीन तो रखने चाहिए भाई, तभी मजा आने वाला है। और इसीलिए मैंने तीसरे वाले झूले के बारे में भी काफी रिसर्च करी, और फिलहाल मुझे उस झूले की लोकेशन मिल चुकी है, और अभी मैं उसी वाली लोकेशन पे जा रहा हूं ताकि मैं उस वाले झूले को कलेक्ट कर सकूं। ओके तो अभी आप लोगों को सामने की तरफ वो जो ऊपर बड़ी सी बिल्डिंग दिखाई दे रही है ना भाई, हमें उसी वाली बड़ी सी बिल्डिंग के ऊपर जाना। ये कंटेनर्स वाला रास्ता है ना, हमें इन्हीं को क्रॉस करते हुए सबसे टॉप पे जाना है, और जैसे ही हम इसके टॉप पे पहुंच जाएंगे उसके बाद जाके हमें मिलेगा वो लास्ट वाला झूला। अब वो लास्ट वाला झूला कैसा है वो देखने के लिए तुम्हें थोड़ा वेट करना पड़ेगा, बिकॉज अभी मैं लास्ट वाले झूले को भी कलेक्ट कर लूंगा, उसके बाद ही ना मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि आखिर लास्ट वाला झूला कैसा है। उसके लिए भाई हमें बहुत ही ध्यान से इसके टॉप पे जाना पड़ेगा, और फिलहाल मैं बहुत ही ध्यान से इस वाली बाइक को चला रहा हूँ, बिकॉज यहाँ से गिरने के बाद बचने की उम्मीद तो काफी कम लग रही है। अरे भाई एक सेकंड यार, मुझे लग रहा था कि मैं तो गिरने वाला हूँ, बट कोई ना, भगवान हमारे साथ है भाई, हम आराम से ऊपर जा रहे हैं, अभी हमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो रही है।
ओके चलो यार आराम से चलते हैं। राइट मुड़ते वक्त थोड़ा सा मुझे वेट करना और आराम आराम से क्रॉस करना है भाई, आराम आराम से मैं टॉप पे जा सकता हूँ इजीली। तो यार इतने अजीब से रास्ते पे लगातार बाइक चलाते चलाते मैं इतना बोर हो गया था, तो भाई इसलिए मैंने उस वाली बाइक को नीचे ही पार्क कर दिया और फिलहाल मैं पैदल ही ऊपर आ चुका हूँ, क्योंकि यार ऊपर अगर मैं उस वाली बाइक को लाता तो भाई और भी दिक्कत होती, इसलिए मैं पैदल ही आ चुका हूँ। अभी फिलहाल जल्दी इस वाले झूले को देखते हैं कि आखिर वो वाला झूला कौन सा है। ओके तो यार तुम देख सकते हो कि ये वाला झूला क्या ही कमाल का है भाई, दिखने में कितना मस्त लग रहा है, क्या ही राउंड शेप का मस्त, बच्चों के लिए मैंने लाया इसे। तो देखो हमने बड़े लोगों के लिए एक टाइप का दो झूला लाया है और छोटे बच्चों के लिए भी दो झूला लाया है, तो भाई फिलहाल यहाँ पे इक्वालिटी चलती जा रही है। अभी इतनी मेहनत करने के बाद फाइनली हमें थर्ड वाला भी मिल चुका है, तो जल्दी इस वाले को कलेक्ट करते हैं और निकलते हैं यहाँ से नीचे की तरफ, बिकॉज अभी मुझे पूरी की पूरी डेकोरेशन भी तो करनी है भाई, बहुत काम है यार। और जैसे ही मैं इस पूरे काम को कंप्लीट कर लूंगा उसके बाद देखता हूँ कि भाई मेरा बनाया हुआ झूला कैसा लगता है। अब देखो इस झूले से मेरी एक्साइटमेंट काफी ज्यादा है और मुझे लगता है कि हाँ कुछ अच्छा ही होने वाला है, बट देखते हैं भाई अच्छा होता है या फिर नहीं, वो सारी चीजें तो भगवान के भरोसे है, मैं अपना बेस्ट देने वाला हूँ। चलो यार फाइनली मैं अपने घर की तरफ पहुंच गया, बस थोड़ा सा और रह गया है। ओके भाई चलो अंदर की तरफ चलते हैं। अंदर जाने के बाद मैं सबसे मेन काम करने वाला हूँ और वो है डेकोरेशन, बहुत टाइम लगने वाला है डेकोरेशन में। चलो यार फाइनली रात हो चुकी है और मैंने अपनी डेकोरेशन को पूरा कंप्लीट कर दिया है, लेकिन अभी मैं तुम्हें नहीं दिखाऊंगा कि भैया कैसा दिख रहा है। सभी लोग कल का वेट करो, उसके बाद मैं दिखाता हूँ कि आखिर हमने क्या बनाया है। ऑल राइट यार तो देखो फाइनली सुबह हो चुकी है और मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि भाई आखिर मैंने क्या बनाया है। और ये देखो भाई हमने यहाँ पे दो झूले लगाए, एक लेफ्ट में और एक राइट में, और ये दोनों के दोनों झूले बड़े लोगों के लिए हैं। और जहाँ पे हमारा स्विमिंग पूल था वहाँ पे मैंने इस वाले झूले को लगा दिया, और उसके लेफ्ट साइड में भाई वहाँ पे आपको मिलता है एक और छोटे बच्चे के लिए झूला। और अगर बात करें अपने घर के इंटीरियर की तो भाई ये मैं दिखा क्या ही करता है, इसीलिए मैंने इसे डेकोरेट नहीं किया है, बट हाँ मैंने ग्रास टाइप का कलर इसके ऊपर लगा दिया है। आप लोगों को इंडियन बाइक ड्राइविंग 3D की प्रदर्शनी कैसी लगी मुझे कॉमेंट करके बताना।